हमारे जिले के शानदार अध्यक्ष अशोक गहलोत जी, डोडा ब्लॉक के प्रमुख श्री गिरीश हड्डा जी, बूथ अध्यक्ष श्री कुमार सिंह यादव जी, तरुण चौहान जी, कमल निराली साहब, गजेंद्र यादव जी, हमारे हनीपुर के ब्लॉक प्रमुख आप तेजवीर सिंह जी, हमारी महिला क्लास के डोडा चौहान जी, यूथ के राष्ट्रीय सदस्य अजय चौधरी जी, राष्ट्रीय गेम कमेटी के हमारे शानदार वरिष्ठ नेता विनोद सविता जी, संजय यादव जी, हमारे जिले के महाराज और संचालक महोदय कुमार बहादुर सिंह बघेल जी और तमाम उपस्थित यहाँ पर हमारे समाजवादी क्रांतिकारी साथियों, आज के इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बता दूँ एक कार्यक्रम एक बहुत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव 2019 बिल्कुल सर पर ही है, मात्र 15-17 दिन शेष रह चुके हैं। इस कार्यक्रम के लिए आज हम मित्रों में उपस्थित हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि देश के अंदर हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो एक वातावरण जो एक माहौल दुनिया बनाया हुआ है, जो धर्म निष्पक्षता धर्म निष्पक्षता का जो माहौल दुनिया बना हुआ है और लगातार देश के अंदर जो आत्महत्याएं हो रही हैं वो आत्महत्याएं किसी से छुपी नहीं है और उस आत्महत्याओं के अंदर सबसे बड़ा जो संख्या है वो हमारे किसान भाइयों की है। वो किसान भाई जो 75% इस देश का हमारे हिस्सेदार रखता है, इस देश के अंदर इस देश को तरक्की देने का काम किसान करता है, इस देश को तरक्की देने का काम ये किसान करता है, इस देश को अनाज देने का काम ये किसान करता है। हम जो है आपके सामने खड़े हुए हैं तो उनमें कहीं ना कहीं योगदान हमारे किसान भाइयों का, इन किसान भाइयों को जिस तरीके से सरकार ने 5 साल के अंदर केंद्र सरकार ने जिस तरीके से लूटने का काम किया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक के इतिहास में इतना परेशान और इतना खस्ताहाल किसान आज के काम में नहीं है। आपके सामने कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं रखना चाहता हूँ। मैं नौजवान हूँ, नौजवानों की बातें करता हूँ। देश के अंदर मुद्दे बहुत हैं, विपक्षी पार्टियाँ केंद्र के अंदर जो पार्टियाँ बैठी थी उनका मुद्दा मुद्दा आप जानते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान पाकिस्तान के अलावा उनके पास पाचा मुद्दा नहीं है। आप मुझे ये बता दो कि मुद्दों का क्या हमारा पेड़ बढ़ सकता है, क्या उन मुद्दों से नौजवानों को रोजगार मिल सकता है, क्या उन मुद्दों से किसानों को उनका उनकी खेती का अस्तीकरण मिल सकता है, क्या उन मुद्दों से किसानों का गन्ना बकाया मुझे मिल सकता है, नहीं मिल सकता मेरे भाइयों। इस देश के अंदर इन लोगों ने जिस तरह का तनाव का माहौल पैदा कर दिया है, आपको बता दूं कि वो सर्जिकल स्ट्राइक वो सरहद पर जो सर्जिकल स्ट्राइक जो स्ट्राइक थी वो स्ट्राइक सिर्फ और सिर्फ दिखाने को मात्र थी। सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है वो हकीकत में देश के अंदर हमारे किसान भाइयों के बीच में चल रही है। इस देश के अंदर आज जो समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, राष्ट्रीय लोकदल का ये ऐतिहासिक गठबंधन जो हुआ है, ये गठबंधन आने वाले समय के अंदर इस देश को तरक्की देने का काम करेगा। और मैं अपना आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मुखिया श्री अखिलेश यादव जी की काम इनके विकास के काम किसी से छुपे नहीं है। एक्सप्रेस हाईवे से लेकर पेंशन योजनाओं से लेकर लगातार ऐसी बातें हैं, ऐसी घोषणाएं हैं जो मैं आपको किनारा शुरू और करूँगा, उसके बाद शाम हो जाएगी, समय बहुत कम है। मैं आपको बता दूंगा मेरे भाई, एक चीज आप याद रखना, ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है, आपके हमारे बच्चों के हमारे आपके भाइयों का किसानों के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव के अंदर हमें 100% चुनाव के अंदर मतदान के अंदर अपनी हिस्सेदारी रखनी है। नौजवानों की हिस्सेदारी 65% की हिस्सेदारी नौजवानों की है। नौजवानों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि मेरे नौजवान भाई जितने भी बैठे हुए हैं उन सब जितने भी अभी नए शामिल हुए हैं के अंदर चुनाव वोट देने के लिए, उन सब लोगों से मेरी अपील है, विनम्र अपील मैं करता हूँ कि इस देश के अंदर आप सब लोगों को योगदान बहुत बड़ा होने वाला है। आप सब लोग जो ये चुनाव डिसाइड करने वाले हो, ये चुनाव आने वाले लोकसभा चुनाव सिर्फ आपका है, अधिक से अधिक मतदान कर